इसमें शूज डाल दिए अब ऊपर चलते हैं एक गेट है ये वाला और तीन विंडो है वहां पे भी एक जादू स्टोरेज बना रखी है हमने भाई प्रॉपर मॉड्यूलर किचन बनाया हुआ है देखो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है तो भाई अभी हम एक जगह आए हैं क्योंकि आपको हमें रूफटॉप टेंट दिखाना क्योंकि यार बहुत सारे अपने पास कमेंट आए थे कि आपने अपने टेंट को अंदर से नहीं दिखाया प्लस आपको अपना किचन सेटअप भी दिखाना है और वीडियो के एंड में मैं एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो लोग ओवरलैंडिंग का सेटअप ढूंढ रहे हैं ना उनको वो जरूर काम आने वाली है तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को एक बार आपको अपना पूरा टेंट दिखाते हैं ये हमारा एक्चुअल में पुराने वाला टेंट है जो हम पहले यूज करते थे स्कॉर्पियो पे अभी हमने दूसरा अपग्रेड कर दिया है जो हम थार पे यूज़ करते हैं बट ये अपने पास पड़ा हुआ है तो हमने सोचा है कि इसको एक बार स्कॉर्पियो पर सेटअप करते हैं जो कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि पूरा इंस्टॉलेशन हमने कैसे किया था बट इस वाले ब्लॉग में हम पूरा आपको टेंट दिखाते हैं अपना फिर बस आपको किचन भी दिखाते हैं पुराने चैनल पे जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने तो हमारा किचन सेटअप देखा हुआ है बट नए चैनल पे नहीं देखा है तो हम आज अपना किचन सेटअप भी दिखाने वाले हैं तो चलो वो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को पर एक आगे की साइड तो तो उतारू यहाँ तो मैं उतलू पीछे थे भाई अपना पूरा ओवरलैंडिंग का सेटअप हमने ओपन कर दिया है सबसे पहले हमने टेंट को ओपन किया था उसके बाद हमने किचन को ओपन किया है करेंगे भाई कि पहले टेंट को दिखाएंगे फिर किचन का पूरा ओवरव्यू देने वाला वालों मैं इस ब्लॉग में तो पहले एक बार समीम को बुला लेते हैं समीम मेरे साथ है यहाँ पे समीम आलचाल है भाई मतलब जहाँ स्पेस की बात आ जाती है <laughs> वहाँ पे मेरे को समीम को ढूंढ के लाना पड़ता है भाई ढंग से देखो हाइट वाइट के हिसाब से पूरा इसी से पूरी नॉलेज मिल जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन की भाई कितना बड़ा है टेंट इसमें तीन आदमी आराम से आते हैं समीम ऊपर चढ़ो और दिखाओ अंदर से एक बार यहाँ पे नीचे एच लगाना पड़ता है ये वाली लेडर है चलो अंदर चलो यार शूज बाहर निकालने पड़ेंगे यार बैग सा पड़ोगा जिसको आप यहाँ पे लगा देते हो और उसमें आप शूज डाल सकते हो और फिर अंदर जाओगे जैसे तो एक बार मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ इधर ये देखो भाई इस तरीके से ये बैग टेंट के साथ ही आता है इसमें शूज डाल दिए अब ऊपर चलते हैं लेट्स गो इन साइड कम्फर्ट है हाँ तो भाई इस तरीके से ये पूरा टेंट है इसके साथ साथ इसमें यहाँ पे आप मोबाइल होल्डर रख सकते हो लेंथ बढ़िया लेंथ ठीक है देखो आप हाइट तो मतलब प्रॉपर है और समीम हाइट कितनी है सवा छा छह तीन, तीन हाइट है भाई उसके बाद भी देखो यहाँ पे लेग स्पेस बचा हुआ है तो लेंथ वाइज स्पेस वाइज इट इज परफेक्ट फिर भी इसमें यहाँ पे देखो मोबाइल रखने के लिए पानी की बोतल रखने के लिए सब चीज है बाकी अंदर की चैन भी आप ओपन कर सकते हो ओपन तो करके दिखा समीम ये वाली चैन ओपन करके दिखा तो ये देखो बैठने में दिखा हाँ इस तरीके से भाई ये चैन ओपन हो जाती है अगर इसके बाहर मिलेगी एक जाली जो कि मच्छर वच्छर से बचने के लिए एक गेट है ये वाला और तीन विंडो है इस हिसाब सेम ऐसी खुल जाती है उनमें भी जाली है तो भाई इस तरीके से इसका ग्रीन कलर है तो आर्मी वाला जो ग्रीन कलर आता है उस तरीके का कलर है तो आप यहाँ पे अपना बल्ब वगैरह होल्डर कर सकते हो ये भी है कपड़े लटकाने के लिए वहाँ पे लग जाती है एक बार लगाई हो इसको समीप से आप इस पे भी अपने कपड़े वगैरह टांग सकते हो तो भाई ये है पूरा टेंट अंदर से बाकी ये मैट्रिस है भाई मैट्रिस का साइज भी देख लो आप मैट्रेस प्रॉपर वही सेम जैसी हमारे वाले टेंट में मैट्रेस तो उसी तरीके की है बाकी नीचे अंदर प्लाई बोर्ड का काम कर रखा है और इसको इस तरीके से चिपका रखा है भाई मैट्रेस को जिससे की ऊपर की साइड ना आए बाहर से भी आपको मैं एक बार ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ भाई हमने सिर्फ दो साइड में स्टिक्स लगा रखी हैं, चारों साइड में स्टिक्स लग जाती है प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाता है पूरा टेंट साइड में स्टिक्स लग जाएंगी उस साइड राइट में भी लग जाएंगी हाँ राइट में हमने ओपन कर रखी है राइट में और फ्रंट में ठीक है ये है भाई पूरा ओवरऑल लुक हमारे टेंट का जो हमारा पुराने वाला टेंट है ओवरव्यू दिखा रहा हूँ पूरे ऑल लैंडिंग सेटअप का आज हर समय नीचे आ जाए ये जो बैग है ना शूज वाला ये अंदर ही डाल दियो ये बड़ी आसानी से खुल जाता है भाई यहाँ पे ना इसके हुक्स दे रखे ये लो अंदर डाल दो चैन वेन बंद कर दिए ये भी अब अंदर जाने की जरूरत नहीं है ये निकाल के और अच्छी तरीके से जैसे ये ना फोल्ड कर सकते हो आप अंदर जाने के लिए जब आपको सोना हो अंदर तो इसको खोल के चैन को बंद कर लो तो इस तरीके से प्रोसेस रहता है इसका पूरा टेंट के बाद अब आ जाते हैं किचन सेटअप के अंदर जो कि हमने खुद से ही डिजाइन करवाया पूरा सेटअप मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसकी स्टोरेज दिखा देता हूँ देखो यहाँ पे अंदर हमने एक स्टोरेज बनाई हुई है ये कोई भी सामान ऐसा है जो आपको रखना है प्लस आप यहाँ पे अपना आइस बॉक्स भी रख सकते हो फ्रिज वगैरह जो भी इंस्टॉल करना है वो कर सकते हो हम तो इसमें अपना आइस बॉक्स रखते हैं बाकी यहाँ पे वाटर स्टोरेज है तो यहाँ पे भी आप अपनी जेरी रख सकते हो इस तरीके का ये फ्रेम बनवाया हुआ है इसका बस एक स्टोरेज भाई ये आ जाती है और ये स्टोरेज भाई डबल है एक हमने ऊपर रखी है एक आप अंदर भी कोई कीमती सामान है वो रख सकते हो तो इसलिए एक अंदर की स्टोरेज भी अलग से बनाई है बाकी ये एक स्टोरेज हो गई एक वो वाली स्टोरेज हो गई के साथ साथ यहाँ पे भी देखो इसको ओपन करके यहाँ पे इस तरीके से आप चॉपिंग बोर्ड बना सकते हो ये चॉपिंग बोर्ड यूज करते हैं हम और एक स्टोरेज यहाँ पे अच्छी खासा स्टोरेज हमने रखा है भाई अपने किचन में क्योंकि देखो कितना भी आपका ग्रोसरी का आइटम है ना वो पूरा किचन में आ जाना चाहिए इधर उधर फैला रहेगा तो फिर किचन बनाने का कोई फायदा नहीं है तरीके से यहाँ पे भी एक स्टोरेज है प्लस यहाँ पे भी एक जादू स्टोरेज बना रखी है हमने चार खाने बना रखे इसमें आप अपने मसाले वगैरह रख सकते हो तो अभी हमारा कुछ सामान ऐसे इधर उधर फैला हुआ है क्योंकि ट्रिप पे जा हम गए थे लद्दाख उसके बाद हमने इसको साफ नहीं किया बाकी यहाँ पे एक टेबल बनाई है हमने डाइनिंग टेबल ये पूरी ऐसे अंदर चली जाती है इसके अंदर चैनल्स लगे हुए हैं और ये ऐसे बाहर ओपन हो जाती है इस तरीके से हम एक एज ए डाइनिंग टेबल यूज करते हैं ये चॉपिंग बोर्ड हो गया अपना ठीक है यहाँ पे हम अपनी स्टोव रखते हैं तो अभी के लिए हमने स्टोव निकाल दिया दे क्योंकि देखो गर्मी इतनी ज्यादा हो रखी है तो गैस वगैरह ब्यूटेन सिलेंडर के साथ भी स्टोव को नहीं रखते हैं हम गाड़ी में मसाले वगैरह रख सकते हैं पार्टीशन यहाँ पे दे रखा है उसके तो भाई इस तरीके से अपना पूरा किचन का सेटअप है जिसमें हम अपना प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर पाते हैं अपनी ग्रोसरी आइटम्स की प्लस कुकिंग कर पाते हैं और देखो यहाँ पे जो स्टोव को रखने की जो जगह है ना उसके लिए यहाँ पे कटिंग करी गई है जिसमें यहाँ पे प्रॉपर स्पेस मिल जाए स्टोव को रखने के लिए और जो आपका प्लग एंड प्ले होता है ना स्टोव स्टार्ट करने के लिए उस तरीके से स्पेस बनाया गया है की इसमें यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है ये सकते हो चावल वगैरह हम रखते हैं प्लस हम यहाँ पे अपनी कुलाड़ी वगैरह रखते हैं ये भी एक इस तरीके का स्पेस है और आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ इस किचन को हमने कैसे सेटअप किया है देखो जिसके पास स्कॉर्पियो है ना उसके लिए परफेक्ट किचन सेटअप है देखो जो यहाँ पे सीट्स लगती थी ना उन्हीं के यहाँ पे बोल्ट वगैरह लगा के ये क्लिप लगा के लोहे की इसको सेट कर दिया कोई भी अलग से इसमें मॉडिफिकेशन नहीं की गई है कोई भी वेल्डिंग वगैरह का काम नहीं किया सिंपल आपको अपनी दोनों सीट्स निकालनी है। और ये पूरा का पूरा, पूरा किचन सेटअप आपकी गाड़ी में फिट हो जाएगा इस तरीके का हमने इसको बनाया हुआ है यहाँ पे देखो आपको कोल्ड ड्रिंक ओपनर भी मिल जाता है ये थोड़ा सा लुक वाइज बहुत अच्छा लगा था तो मैंने अमेजो से ऑर्डर करके मंगवाया होता बाकी ये पूरा ओवरऑल हमारा किचन सेटअप भाई कैसा लगा बहुत बढ़िया परफेक्ट सेटअप है ना जरूरी तो भाई इस सेटअप को दिखाने का ना सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भाई हम इस पूरे ओवरलैंडिंग सेटअप को सेल कर रहे हैं समीम देखो आपको भी पता है कि हम स्कॉर्पियो एन में मूव कर रहे हैं किचन से बढ़िया है बढ़िया भाई प्रॉपर मॉड्यूलर किचन बनाया हुआ है देखो हमारे पास टेंट है जो हमने थार पे अपना सेटअप कर रखा है तो ये हमारे पास स्पेयर में पड़ा हुआ था जो हमारा पुराना टेंट है तो इसको भी हम सेल कर रहे हैं प्लस हम इस किचन सेटअप को भी सेल कर रहे हैं बिल्कुल चीपेस्ट रेट लगाए देखो मैंने जब इसको खरीदा था ना मैं अगर आपको रेट बताऊँ तो फिफ्टी टू सिक्स के आसपास मैंने टेंट के पे किए थे और किचन के मैंने ट्वेंटी वन के आसपास पे किए थे मैं हिसाब से लगा लो यार आप मोटा मोटा की साठ प्लस बीस अस्सी के आसपास सेटअप है पूरा मैं इसको सेल कर रहा हूँ सिर्फ साठ हजार में टोटल किचन को भी और टेंट को भी दोनों को मिला के है। सब और लुक वाइज भी यार सब चीज मैंने परफेक्ट अपने लिए बनाई थी गाड़ी से मूव कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी स्कॉर्पियो ओनर ही हमें कांटेक्ट करे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे प्लस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, में एक मेल आईडी दे दूंगा उस पर भी आप मेल ड्रॉप कर सकते हो अगर आप ओवरलाइनिंग का सेटअप करना चाहते हो अपनी गाड़ी में दोनों चीजें बिकाऊ है अब स्विच कर रहे हैं अपनी गाड़ी में नई गाड़ी खरीदने वाले आई होप की वो गाड़ी भी हमें जल्दी से मिल जाए ये था पूरा हमारा किचन सेटअप प्लस टेंट कैंपिंग के लिए करो क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहेगा जो भी पहले हमें कॉन्टेक्ट कर लेगा जिसका भी ऑर्डर फाइनल हो जाएगा उसको हम ये दे देंगे इसके बाद हमें और भी मोडिफिकेशन अपनी स्कॉर्पियो में करानी है तो वो आगे आपको देखने को मिलती रहेंगी बाकी पहला काम है ओवरलैंडिंग सेटअप का तो जल्दी से पिंग करो हमें मेल करो या मैसेज करो डीएम करो हमें इंस्टाग्राम पे भी तो भाई ये था पूरा ओवरऑल सेटअप अगर पसंद आई ये वीडियो तो भाई लाइक जरूर कर देना अगर चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना ओवरलैंडिंग की वीडियो तो आपको देखने को मिलती रहेंगी नेक्स्ट ट्रिप की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और जल्दी से आपको उसका अपडेट भी मिल जाएगा हिमाचल या उत्तराखंड में ही कहीं जाने वाले हैं तो गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है भाई बादल हो रहे हैं बट धूप बहुत ज्यादा तेज है अब इसको ओपन करने में और बंद करने में मेहनत लगे हैं पे पहाड़ों में मौसम सही रहता है तो वहाँ पे थोड़ा अपने लिए बेनिफिट रहता कैंपिंग के लिए बंद करते हैं और आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में यही अपडेट आपको देना था